Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे साथ आज बातचीत के लिए बिहार विधान परिषद सदस्य फारूक शेख जी हैं, जिनसे शिवहर से जुड़े हुए विभिन्न विकासात्मक पहलू पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और राजनीति में सक्रिय हैं सर, तो हम जानना चाहेंगे कि शिवहर, चूँकि आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं, साथ साथ शिवहर के जिला बने 26 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो शिवहर के पिछड़ेपन का आपके नज़र में क्या कारण? जो इससे पहले जितने भी जो आज वर्तमान में जो MP है, 15 साल से देख लीजिए, उनका पूरा होने वाला है, उनका काम देख लीजिए, वर्क क्या है, कुछ शिवहर में है? शिवहर लोकसभा के अंदर पे कहीं पे दिख रहा आपको काम उनका? वो लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि बाहर से आके चुनाव लड़के चले जाते हैं। जो पहले भी विधायक थे यहाँ 10 साल, वो लोग भी कुछ काम किए नहीं। हम लोग तो लोकल हैं। जितना एक बेटा को अपने माँ से मोहब्बत होती है, उतना ही इस ज़मीन से हमें भी उतनी ही मोहब्बत है और उतनी ही प्यार है, क्योंकि धरती माँ होती है। हर लोग बोलते धरती माँ है, तो ये धरती शिवहर जिला, शिवहर लोकसभा हमारे लिए माँ है। तो इसका माँ का मान सम्मान बढ़ाना बेटा का काम होता है। तो जो बेटा होगा वही अपने माँ का मान और सम्मान बढ़ाएगा। एक चीज़ और बताया जाए कि आपकी प्राथमिकताओं में कौन कौन मुद्दे शामिल हैं जिनका समाधान आप प्राथमिकता के तौर पर करना चाहेंगे? देखिए, अभी बहुत सारा जो मुद्दा था आपका, जैसे बेलवा घाट का आप देखे होंगे, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, बहुत सालों से, बरसों से। वैसे ही आपका NH 104 शिवहर से सीतामढ़ी, वो सब आपके काफ़ी टाइम से, 15 मानी बरसों से देखिए, ऐसे ही कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पूछने वाले कोई लोग नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा देन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, जो एक गरीब बेटा को शिवहर के अंदर जिम्मेदारी दे करके उन्होंने भेजा, MLC बना करके, से जो MP और जो शिवहर का विधायक पहले जो काम नहीं कर रहा था, तुम जा करके काम करो वहाँ और वहाँ के लोगों के लिए काम करो, जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करो, मानी ख़त्म करो। उनकी जो भी काम है, रोड का हो, जो भी काम है, पुल पुलिया हो या रोड हो, आप देखिएगा ये लगभग 1.5 साल हो गया हमको, 1.5 साल में आप रोड का काम देख लीजिए कितना चालू हो गया। हर क्वेश्चन विधानसभा के अंदर, जब भी हाउस चालू होता है, विधान परिषद के अंदर उठाने का काम करते हैं, और सिर्फ उठा करके छोड़ नहीं देते, फाइल तक ही नहीं सीमित रखते हैं उसको, और हाउस के अंदर सीमित नहीं रखते हैं, उसके पीछे हम लोग जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़े, भागने की ज़रूरत पड़े, वहाँ भागते हैं और उनके पीछे रह करके काम करवाते हैं। जैसे आज बेलवा घाट का देख लीजिए, दिसंबर तक का टाइमिंग था, लेकिन बाद में हम लोग गए तो बोले दिसंबर तक तो नहीं होगा, लेकिन आपको ये ईयर एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, ईयर एंडिंग तक आपको मानी मार्च तक का कंप्लीट हो जाएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ इस क्षेत्र में एक रीगा चीनी मिल था जिसके बंद होने से किसान को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ कहीं ना कहीं गन्ना की खेती प्रभावित हो रही है और लोग गन्ना के खेती से दूर होते जा रहे हैं, तो रीगा चीनी मिल चालू कराने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इससे पहले भी हाउस में हम लोग आवाज़ उठाएं, हमेशा सरकार से मांग किए से भाई रीगा जो चीनी मिल है उसको चालू किया जाए, तो उनके मालिक कलकत्ता भाग गए। सरकार ने जो प्रमोद जी हैं BJP का जो मंत्री हैं, उन्होंने भी जवाब दिया से ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, कलकत्ता है, मालिक से बात कर रहे हैं, चालू कराने का काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार को इच्छा ही नहीं है, सरकार को तो ये है जितना भी जो रोज़गार का जरिया है या किसान का जो चीनी मिल, जितने भी चीनी मिल देखेंगे आप देख लीजिए 15 साल पहले का चीनी मिल, जो लोग बोलते हैं पहले जंगल राज आज है, 15 साल पहले नहीं था, जंगल राज तो आज है। जब आज के डेट में जितना भी चीनी मिल है बंद हो गया आपका, रोज़गार के क्या है, रोज़गार के मामले में कुछ है? किसान मरेगा कौन? अगर आप देख लीजिए चीनी मिल अगर रीगा भी बंद हो गया तो कौन मरेगा? बंद तो हो चुका है तो कौन मर रहा है? आज उनका गन्ना क्या भाव में जा रहा है? औने पौने दाम, मानी रुपया का माल 4 आना में, और बेचारे किसान क्या करेंगे, उनका रोज़गार वही है।
आज मजबूरी है, कर्जा चुकाना है उनको, बैंक से कर्जा लिए, प्राइवेट जगह से कर्जा लेके बैठे हुए हैं, अब रुपया का माल चाराना में बेच के जा रहे हैं। ये कारण क्या है? एक ही है, सरकार पूरा इसके जिम्मेदार सरकार है। अगर ये चीनी मिल चालू होता तो किसान का ये हालत नहीं होता। लोगों की भावना है कि बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको रेल लाइन स्पर्श नहीं करता है किसी भी क्षेत्र को, तो लोगों का भावना है कि कहीं ना कहीं सीवर को रेल लाइन से जोड़ा जाए, तो इस दिशा में अब तक रेल लाइन से न जोड़े जाने का जिम्मेदार कौन है और इस दिशा में आपका आगामी प्रयास क्या हो? जो यहाँ के सांसद है उनकी पूरी जिम्मेवारी है, वो पूरे फेलियर है। वो कभी कोशिश ही नहीं किए जो सीवर रेल से जुड़ जाए, कभी कोशिश नहीं किए। अगर कोशिश किए होते तो आज सीवर में रेल होता, रेल जो आज सीतामढ़ी मोतिहारी मुजफ्फरपुर से ज्वाइंट होता ये, तो उनका कोशिश ही नहीं रहा, कभी भी पहल ही नहीं किए। वो ये सब झूठ है, कभी भी पहल ही नहीं किए जो हम चाहते हो। उनका कुछ बयान आता है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन वो पूरा झूठ बोलती है, उस पर 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर उनको इच्छा होता रेल लाने का तो कब का रेल आ गया होता। सरकार उनकी है, केंद्र की सरकार उनकी है, स्टेट में सरकार उनकी है, वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं जैसे लोग हो जो हमको सिर्फ वोट मिले, जितने लोग यहाँ के कमज़ोर रहेंगे लोकसभा का, जितने गरीब रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, वो लोग हमको वोट करेंगे। ये NDA की पॉलिसी है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ दिन पहले देखा गया था कि आपने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था कि शिवहर के शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव होता है, जिसमें मंत्री जी का शायद जवाब जो आया था जिससे लोग भी संतुष्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत जवाब था, तो आज भी स्थिति वही है और आज भी शहर के लोग विशेषकर कुछ रास्ते हैं जो सालों भर जल जमाव से लोग परेशान रहते हैं। इस दिशा में आपका आगामी प्रयास क्या हो? जल जमाव के ऊपर में एक सीवर में जो जल जमाव है उसके लिए हमने क्वेश्चन डाला था, मंत्री का जवाब आया यहाँ से जो वहाँ पे कोई जल जमाव नहीं होता है, तो मैंने उनको प्रूफ भी दिखाया। से ये सामने है, ये 15 दिन पहले का और ये सिर्फ 2 दिन पहले का है। तो फिर सभापति महोदय बोले से ठीक है, इसके ऊपर एक जाँच कमेटी बैठनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था से जाँच कमेटी बैठेगी और इसके ऊपर जाँच होगी, से प्रशासन की अगर गलती है, गलत रिपोर्ट भेजे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक चीज़ और बताइएगा, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है, और जहाँ तक शिवहर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि दो राजनीतिक दलों में किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर टकराव होता नहीं दिखता है, साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका में भी टकराव नहीं होता स्थानीय स्तर पर, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टकराव किस बात की? देखिए स्थानीय लोग, ये रेल का टॉपिक हो या किसी भी टॉपिक हो जिस पे वर्तमान जो लोग जीते हुए हैं लोकसभा में, तो अगर किसी मुद्दे पे वो काम नहीं कर रहे हैं तो एक सड़क पे संघर्ष होता है दो राजनीतिक दलों के बीच में, या फिर अगर प्रशासन के लोग और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो एक लोकतंत्र में टकराव देखने को मिलता है कई जगह पे। तो शिवहर में के लोगों का कहना है कि सड़क पे जो टकराव होना चाहिए पक्ष विपक्ष में, वो टकराव अभी तक देखने को मिलता नहीं है। अब सांसद जी यहाँ रहते हैं क्या, आपको मालूम है किन से टकराव करेंगे आप? अगर वो हो जब तो उनसे सवाल जवाब करें, पब्लिक या हम, कोई भी कब सवाल जवाब करेंगे? अगर आप हम हैं यहाँ तो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जब अगर हम यहाँ रहेंगे नहीं तो इंटरव्यू आप किससे लेंगे? जब सांसद ही यहाँ नहीं रहेगी शिवहर की, तो आपकी कौन पब्लिक जाएंगे उनसे सवाल जवाब करने के लिए? तो एक ही चीज़ है, 24 आने वाले 24 में उखाड़ के फेंक दीजिए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिवहर में मरीजों को जनरली अगर मरीज कोई गंभीर रूप से घायल होते हैं या गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तो उनको मुजफ्फरपुर जनरली रेफर कर दिया जाता है। इसका बड़ा कारण है शिवहर में ब्लड बैंक ना है। दूसरा बात यह है कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज है जहाँ उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया गया था लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, तो ये उच्च शिक्षा का जो स्थिति खराब है, साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी जर्जर है, इस दोनों मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? स्वास्थ्य के लिए तो आप देखे होंगे पहले से जो साधन नहीं था हॉस्पिटल का, काफ़ी सुधार हुआ है और उसमें हमने काफ़ी पहल किया और हमने अपने तरफ से फंड भी दिया। आप लोग को भी मालूम होगा, वेंटिलेटर को फंड हो, निजी फंड हो या हमारे योजना से हो, दोनों जगह से हमने दिया। वेंटिलेटर नहीं चालू था, ICU सेंटर नहीं था, बेड वगैरह नहीं था, आपको भी मालूम है, वो सब चालू हुआ। यहाँ तक जो यहाँ डिलीवरी नहीं हो पाता था, इस सबको रेफ़र कर देते थे मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का रोड इतना ख़राब, जो अगर टाइम हो गया डिलीवरी का और लेडीज़ जा रही है महिला, तो ऐसा होता था या तो गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ देते थे या तो गाड़ी के अंदर डिलीवरी हो जाता था, क्योंकि रास्ता सही नहीं और यहाँ साधन नहीं था हॉस्पिटल में।
तो ये सब हम लोग बैठ के बात किए सिविल सर्जन से, फ़ोन पे भी बात हमने किया उनसे, तो बोले ये सब साधन चाहिए हमको। हमने उपलब्ध किया उनको जो भी ये राशि दिए, उसे आज के डेट में आप देखिएगा हॉस्पिटल के अंदर आज उनको किसी को मुजफ्फरपुर ने सीतामढ़ी जाने की ज़रूरत है। ब्लड बैंक की जो बात कर रहे, तो उसके लिए भी हमने बात की है उनसे, उस पर भी पहल चालू है, वो भी तुरंत हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, चूँकि आप भी डुमरीगढ़ सड़ी से आते हैं, तो डुमरीगढ़ सड़ी सहित शिवर के जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं अधिकतर जर्जर अवस्था में है, तो इस जर्जर सड़क से शिवर के लोगों को मुक्ति कब मिलेगी? मिलेगी बहुत जल्दी। अब सरकार में तो हम लोग है नहीं, हम लोग एक पहल कर सकते हैं और पहल कर रहे हैं। अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और पहल लड़ के लेना है। अगर सत्ता में नहीं भी है तो चुपचाप बैठना नहीं है, करा के लेना, कर हो रहा है काम, करेंगे और भी हम लोग इसके ऊपर सरकार से लड़ झगड़ के। जो हमारा रोड शिवहर जिला का जिस गली का भी जिस जहां भी सड़क ख़राब है वो करवा के लेंगे। करप्शन फ्री शिवहर हो, इस दिशा में आपकी आगामी कोशिश क्या होगी? तो उसके लिए सबसे पहले जितना नेता उनको मुक्त होना चाहिए, जो जनता उनको भी मुक्त होना चाहिए, वो भी वोट के टाइम में वो सब ना देखे ना सोचे। ये जनता के भी ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है जो वोट के टाइम में वो सब चीज़ों से बचे। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज हम इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो बहुत लोग बता भी रहे थे कि अगर आप जाइएगा तो ये बात कीजिएगा कि शिवहर में बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा किया जाता है, साथ साथ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शौचालय की का व्यवस्था नहीं है। तो ये दो समस्या शहर के लोगों के लिए विशेषकर है, तो लोगों का कहना है कि इन पर सर से बात कीजिएगा, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो एक बस स्टैंड के तो है फिलहाल एक, और जहाँ तक शौचालय की बात कर रहे हैं, हाँ वो नहीं है, उसके लिए हम देखवाते हैं क्या हो सकता है अपने से, हम लोग कोशिश करके। बस स्टैंड है सर वो निजी बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड नहीं है, और चूँकि निजी जिनका भी बस स्टैंड है वो धीरे धीरे अपना वहाँ पे अपना घर वगैरह बना रहे हैं, तो अभी वर्तमान में अभाव है। और जहाँ तक RTI से हम लिए हैं इस संबंध में जानकारी, तो बताया गया कि भूमि है लेकिन फंड का अभाव। तो भूमि है, चेक करवा लेते हैं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मांग रखेंगे और जो हम लोग से पहल होगा करके ख़त्म करेंगे उसको। चाहिए बस स्टैंड तो शिवहर जिला है और उसके अंदर बस स्टैंड नहीं है तो बहुत बड़ी कमी है। हाँ, एक आखिरी सवाल ये है, चूँकि आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछना लाजमी है चूँकि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देखा जाता है शिवहर में युवाओं के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, और रोज़गार का साधन इसलिए भी नहीं है कि यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, तो इस दिशा में आपकी आपका क्या प्रयास होगा? मेरा मकसद ही वही है, एक ही चीज़ है, पॉलिटिक्स में आने का मकसद एक है, शिवहर में रोज़गार होना चाहिए, शिवहर लोकसभा के अंतर्गत रोज़गार। जैसे आज यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बिहार के लोग मुंबई दिल्ली कलकत्ता मानी पूरे दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर की बात नहीं कर लीजिए, पूरे दुनिया में जा कर के वहाँ खूंटा गार के आ जाते हैं। हम लोग भी गए, हम लोग भी यहाँ से बाहर गए, जा कर के वहाँ जो भी काम करना हुआ किए, और आज हम लोग वहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं, वो फैक्ट्री आज हम लोग यहाँ चलाने हम लोग चला सकते हैं और चलाएँगे। और इसके लिए देखिए पहल करने का, इस पर हम पहल कर रहे हैं और कोशिश भी है, इसमें जो शिवहर लोकसभा के अंदर यहाँ जो बैग बनाने की फैक्ट्री है, जूता बनाने की फैक्ट्री है, गारमेंट की फैक्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री से हमारी बात हो रही है और ये लोग सब आने के लिए यहाँ तैयार है। और तेजस्वी जी से हमारी बात हुई थी इलेक्शन से पहले, 20 में जो चुनाव हुई इससे पहले हमारी बात इस मुद्दे पर मीटिंग हुई हमारी, ये सब कैसे कर सकते हम, अपनी सरकार आएगी तो हम लोग कैसे प्लानिंग करें जो यहाँ के लोग को रोज़गार दिया जाए। तो इसमें हम लोग बात किए से आज जितने लोग यहाँ से बाहर है, और सिर्फ एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो बैग इंडस्ट्रीज है या शूज है या बेल्ट है, इसमें कम से कम आप दिल्ली मुंबई कलकत्ता देखेंगे तो 50 लाख आदमी काम करते हैं, 50 लाख सिर्फ मुंबई के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाख आदमी जो है इसी लाइन से जुड़ा हुआ है। तो उन लोगों को अगर यहाँ साधन मिले, यहाँ काम करे, तो ये रोज़गार यहाँ मिलेगा लोगों को। और दो बेनिफिट है, यहाँ अगर लोकल में काम करते हैं तो आज महिला घर में काम नहीं कर पाती है जा करके, और ये बाहर जाएंगे चाइना वगैरह में आप जाएंगे, अपना कर्नाटक वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे सिलाई का काम है, गारमेंट सिलना, वो घर में भी बैठ के लेडीज़ काम करती है, और एक कंपनी में जा करके सुबह में 8 बजे जाए बच्चे लोग को छोड़ के स्कूल, टिफ़िन लेके जाती है,
बेंगलोर वगैरह का जो सिस्टम है, जो कंपनी वगैरह में हम लोग देखते हैं और काम होते हैं, बेंगलोर हो, गुजरात हो, ये सब जगह पे यही सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक उनका घर का जेंट्स जो है वही बाहर जाता है, या बेटा हो या शौहर हो उसका, वो बाहर जाके कमा के लाता है। और बाहर में क्या है, उनका शौहर भी जाता है और उस घर की महिला जो है वो भी जाती है काम करने के लिए, तो एक ही घर में डबल इनकम हो जाता है पास होने के, नज़दीक होने की वजह से। अगर ये चीज़ सीहोर में आ जाए या सीहोर लोकसभा के अंदर या बिहार के अंदर आ जाए, तो उसमें क्या होगा, से आज सीहोर में फैक्ट्री है तो सीहोर के लोग जाएंगे बस पकड़ के या गाड़ी साइकिल से जाए, जैसे भी जा करके 10 मिनट आधा घंटे का रास्ता होगा, काम करेगी, सुबह में गई फिर शाम को 5 बजे वापस आ गई। अब वो शौहर भी जा रहा है, बीबी भी जा रही है उसकी, तो डबल इनकम हो गया। तो जब इनकम बढ़ेगा घर के अंदर में तो घर में खुशहाली आएगी, वो अपने बच्चे को भी अच्छे से शिक्षा देंगे, पढ़े लिखे सब बनेंगे, उनके घर के बच्चे लोग भी, घर भी खुशहाल हो जाएगा। जो 2 रोटी खा रहे हैं उस 2 रोटी के साथ में उनको 4 रोटी मिलेगा, क्योंकि उनका इनकम जो है वो बढ़ जाएगा उनके घर में। पहले कमाने वाले 1 थे, अब कमाने वाले 2 हो जाएंगे। तो ये हमारी खास करके इसके ऊपर पहल है और मकसद भी मेरा यही है, सीहोर के अंदर रोज़गार। ये हमारे साथ बातचीत के लिए थे बिहार विधान परिषद के सदस्य फारूक शेख जी, जिन्होंने बताया कि सीहोर के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ये लगातार कार्य करेंगे। साथ साथ इन्होंने बताया कि ये लगातार विकासात्मक कार्य जिले के लिए कर रहे हैं और आगे जो काम अब तक विकास से दूर है उन कामों को भी ये पूरा करेंगे। साथ साथ इन्होंने बताया कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को ये विधानसभा में, विधान परिषद में उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update.